आज हम बात करने वाले हैं आईफोन एसी 2 के बारे में। ये नया फ़ोन बहुत दिनों से हम लोगों का इंतज़ार था, अब ये आ गया है मार्केट में। कब अवेलेबल होगा हम लोगों को पता नहीं, बट एप्पल ने बोला है कि 25 मई को आपको मिल जाएगा, मार्केट में आ जाएगा, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले इस फ़ोन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं और फिर हम कंपेयर करेंगे कि पहले जनरेशन से नया जनरेशन में क्या एडवांटेज है, प्राइस क्या है, फुल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या डिफरेंसेस में। ठीक है, ओके, तो ये है नया आईफोन एसी लॉस्ट टू लव लेस टू स्पेंड। इंडियन मार्केट में 42,500 में मिलेगा। ये 64 GB के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ब्लैक रेड। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे 4 इंची रेटिना डिस्प्ले, एचडी डिस्प्ले। बट ये डिस्प्ले पहले जनरेशन तो थोड़ा अलग है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इसमें फिर आ रहा है A13 बायोनिक चिप, जैसे कि आईफोन 11 में आता है नया वाला फ़ोन में। और ये है माइलीवर, ये है पोर्ट्रेट मोड के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट HDR डेप्थ कंट्रोल। इस पिक्चर के बैकग्राउंड का आप देखें ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे ब्लर कंट्रोल हो रहा है यहाँ पर। तो ये हर एक एंड्रॉइड फ़ोन में भी होता है, ये बोल रहा है कि स्मार्ट HDR जो पहले वाला AC में नहीं था, ये एडवांटेज है अभी। और ओके, ये है पोर्ट्रेट लाइटिंग, ये तो सेम है, कुछ भी नया है नहीं है इसमें। ओके, तो ये है आईफोन एसी 2 का पिक्चर क्वालिटी। सेम 12 मेगापिक्सल कैमरा, बट दोनों भाई वाइड एंगल कैमरा है, वाइड एंगल कैमरा बहुत अच्छा है। तो पिक्चर क्वालिटी ठीक ही है, बहुत अच्छा है इसमें 12 मेगापिक्सल कैमरा के साथ। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी, वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी, हाई डेफिनेशन 4K वीडियो, फुल HD। ओके, और ये जो दिख रहा है ना क्विक टेक, वो यानी फोटो अप टू टर्न्स इनटू वीडियो ऑप्शन, यू कैन इंस्टेंटली स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो बाय जस्ट होल्डिंग द शटर। ओके, अगर आप फोटो खींच रहे थे तो आपको सडनली वीडियो मोड में जाना है तो ये आप जा सकते हैं विदाउट वो ऑप्शन में बैक करके, फिर वीडियो मोड में ऐसा नहीं करना है, जस्ट होल्ड द बटन एंड यू कैन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये अच्छा है। और फिंगरप्रिंट शायद ये फर्स्ट जनरेशन वाला ही है, वो फर्स्ट जनरेशन आईफोन एसी का, आईफोन एसी में फर्स्ट जनरेशन वाला ही फिंगरप्रिंट है। सेकेंड जनरेशन में क्या है मुझे मालूम नहीं कौन सा वाला फिंगरप्रिंट इसमें है। ओके, प्राइवेसी बिल्ट इन, और ये वाटरप्रूफ डस्टप्रूफ भी है, ये एप्पल टीवी का। ठीक है, iOS 13 मिल जाएगा आपको नया वाला। ठीक है, और कलर आता है ब्लैक वाइट एंड प्रोडक्ट रेड। ओके ओके, इसमें डुअल सिम में आता है और टू टोन कलर, हैप्टिक टच, मतलब वो 6S और 7 में जो आता था ना वो स्क्रीन में 3D टच, वो वाला थे पहले वाला एसी में नहीं था। और स्टूडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग ये नया है सर, ऑडियो शेयरिंग। ठीक है, डुअल सिम मतलब इसमें ई सिम लिखा हुआ है, मतलब आप ये सोच सकते हैं एक होगा फिजिकल सिम और एक होगा इनबिल्ड वाला सिम। ठीक है, जैसे हम लोगों का पहले वाला फ़ोन था ना CDMA वाला फ़ोन, मतलब
उसमें नंबर रजिस्टर करना पड़ता था, मतलब आप सिम खोल नहीं सकते थे, वो मदरबोर्ड के साथ पूरा एकदम अटैच था। वैसे ही वाला एक सिम मदरबोर्ड के साथ होगा और अलग से आप एक सिम आप लगा सकते हैं, तो हो गया आपका डुअल सिम। ठीक है, दोनों ही GSM है बट एक मदरबोर्ड के साथ अटैच है और एक अलग से आप लगा सकते हैं फोन में। ठीक है, डुअल सिम है सर, तीनों कलर में आता है। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि क्या है आईफोन पहले जनरेशन से और 11 से क्या कंपेरिजन है करके देखते हैं। ये लेफ्ट साइड में आईफोन 11, मिडिल में आईफोन SE 2 और राइट साइड में SE फर्स्ट जनरेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले वाला में 4 इंच स्क्रीन था, नया वाला में 4.7 इंच स्क्रीन है और इसमें हम देखेंगे पूरा डिटेल्स क्या ऐसा है। 12 मेगापिक्सल वाइड कैमरा, वाइड कैमरा सेम है, टच आईडी भी सेम है और फ्रंट कैमरा जो है वो 7 मेगापिक्सल कैमरा का फ्रंट कैमरा है, फुल HD वीडियो के साथ होता है। पहले वाला में जस्ट नॉर्मल HD था 30 FPS का, पहले वाला में A9 चिप था, नया वाला में 13 चिप, सेम एज लाइक 11 आईफोन 11। बैटरी पहले वाला से थोड़ा बेहतर है, आईफोन क्लेम कर रहे हैं कि आईफोन 8 में जो बैटरी था वही सेम बैटरी इसमें है और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब पहले वाला में 1600 मेगाहर्ट्ज़ समथिंग था, अब नया वाला में 1900 मेगाहर्ट्ज़ समथिंग लाइक दैट। ओके एंड वाटर रेजिस्टेंट टेप ऑफ द मीटर 30 माइल्स, तो वाटर रेजिस्टेंट ये जो आपका वाटर रेजिस्टेंट इन्होंने दिया है तो अब बारिश के लिए और धूल के लिए तो ठीक ही है, मतलब ठीक है। और 32 GB इसमें अवेलेबल नहीं है, 64 GB से स्टार्टिंग हो रहा है, जैसे कि हमने पहले बताया था 42500 64 GB का। ओके और डिस्प्ले में क्या चेंजेस है, सेम डिस्प्ले, रिजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, स्क्रीन थोड़ा 0.7 इंच बड़ा है इसलिए शायद डिस्प्ले रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होगा और सेम PPI पिक्सल पर इंच और ये रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा है सेकंड जनरेशन में, 2-tone डिस्प्ले है, अच्छा है। वाइट कलर डिस्प्ले P3, पहले वाला जो था स्टैंडर्ड था कलर, हैप्टिक टच, 60 निट्स मैक्स ब्राइटनेस, मतलब वो जो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस होता है वो पहले वाला से थोड़ा ज़्यादा है। हाइट वेट, वेट थोड़ा सा पहले वाला से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और हाँ, पहले वाला में कोई स्प्लैश वाटरप्रूफ डस्ट रेजिस्टेंट नहीं था, इसमें था IP67 है, ठीक है। सेम चिप और इसमें जो कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, हाँ वाइड F1.8 एपर्चर कैमरा और पहले वाला में 2.2 एपर्चर वाला कैमरा था। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है इसमें और डिजिटल जूम 5x5x। ओके, 2-tone फ्लैश स्लो सिंक, 2-tone फ्लैश ये क्या है जो फोन में जो आपका फ्लैश आता है अगर सेल्फी कैमरा आप लेते हैं तो वो, इसमें फोन में कोई लाइट नहीं है, फ्लैश नहीं है, तो वो 2-tone फ्लैश आता है। जैसे स्क्रीन का फ्लैश के बारे में बात करें यहाँ पर, ओके, पोर्टेंट मोर एडवांस डेप्थ कंट्रोल, हाँ इसमें कैमरा में बहुत सारे एडवांस है, आपको टेल लाइटिंग और स्टूडियो वाला मोड, वो जो XR और 11 प्रो में जो आता है कैमरा वाला स्टूडियो मोड वो आप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट HDR, ओके, जैसे हमने देखा था पहले जो आप HDR जो ब्लर आप कंट्रोल कर सकते हैं।
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फॉर वीडियो, ठीक है, जूम भी 3x, क्विक टेक वीडियो जो मैंने बताया था, आप फोटो के साथ साथ वीडियो में जा सकते हैं इंस्टेंटली, और स्लो मोशन वीडियो, स्लो मोशन वीडियो सेम भी है, ठीक है, टाइम लैप्स वीडियो भी है इसमें विथ स्टेबलाइजेशन सेम, स्टीरियो रिकॉर्डिंग ये नहीं था, वो स्टीरियो साउंड के बारे में बात करें, स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। और फ्रंट कैमरा के बारे में देखते हैं, फ्रंट कैमरा 7 मेगापिक्सल, पहले वाला में 1.2 मेगापिक्सल था, इसमें 2.2 मेगापिक्सल है, पहले वाला में 2.4 था। रेटिना फ्लैश, वो जो स्क्रीन का जो फ्लैश है उसके बारे में बात करें, ऑटो HDR फोटो, ओके, आपका पोर्ट्रेट मोड विद एडवांस बैक एंड डेप्थ कंट्रोल, ठीक है। जो नहीं है इसमें डायनामिक रेंज फ्रंट कैमरा में नहीं है, वीडियो स्टेबलाइजेशन 4K फ्रंट कैमरा में नहीं है, फ्रंट कैमरा में 4K वीडियो नहीं होगा बट फुल HD होगा, पहले वाला में नॉर्मल HD होगा था, ओके। टच ID, ओके, इसमें सेकंड जनरेशन फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्ट इन टू होम बटन, और पहले वाला में फर्स्ट जनरेशन था। ये नया वाला फीचर से अच्छा इसमें दे दिया, ओके, और सीरी तो है ही। और यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले वाला में वायरलेस चार्जिंग नहीं था, नया वाला में वायरलेस चार्जिंग भी है और फास्ट चार्जिंग भी है इसमें, पहले वाला में फास्ट चार्जिंग में नहीं था। और ये ओके, ये अच्छा क्या है, पहले वाला में मतलब और हर एक आईफोन में 5 वाट का एडाप्टर आता था, अब 18 वाट का एडाप्टर, ओके, ठीक है, एंड 50% चार्ज इन 30 मिनट्स, गुड। ये ना बैटरी, अब तो बैटरी इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ओके, ठीक है। सेंसर के बारे में क्या हो, ये बैरोमीटर सेंसर ना जो पहले वाला में नहीं था, बैरोमीटर सेंसर, ओके, डुअल सिम, ओके, नैनो सिम और एक ई सिम मैंने बताया था पहले, और सो मतलब 11 का जो जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है बट कुछ ही चीज़ में नहीं है। आप देख सकते हैं 11 का जो लेफ्ट साइड में 11 है, मिडिल में आपका सेकेंड जनरेशन है, सब कुछ ही आपका मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा से, ठीक है। तो ये है आपका iPhone SE 2, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।